नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी, दैनिक भास्कर गियरअप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे लॉन्च पर हूं जो दो टेक्नोलॉजी का मिलन है, एक इंडियन और एक जापानीज, सोलिस एनमार। अब आपको ये नाम बहुत ही जाना पहचाना लगेगा थोड़े दिन बाद। एनमार जापानीज कंपनी है, वो अपना ट्रैक्टर बनाते हैं, वहाँ पे बेचते हैं बहुत सारी जगहों पर, और सोलिस इंडियन ब्रांड है जो यहाँ से ट्रैक्टर बना के बाहर के देशों में भेजते हैं। अब इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये दोनों ट्रैक्टर पॉसिबल हो पाएंगे इंडिया में और इन्हें बेचा जाएगा। इस पूरे वीडियो में मैं इन्हीं की बात करने जा रहा हूँ। अगर आप किसी चीज़ को ठान लें कि ये करना है तो मुझे नहीं लगता कि वो नामुमकिन है, और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कृषि में। कृषि जगत में बहुत सारी चीज़ें पदल रही हैं तेज़ी के साथ, और ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हो जो सोलिस है, ये कम पानी पर बढ़िया खेती करने में सक्षम है, ऐसा कंपनी का दावा है। हालांकि बहुत जल्दी मैं इसका रिव्यू करके आपको बताऊंगा कि ये ट्रैक्टर कितना अलग है औरों से, लेकिन आपको बताता चलूं, ये एक प्रीमियम ब्रांड में आ जाता है, इस वजह से इसकी कीमत लगभग 7 या 8% ज़्यादा होगी इस रेंज के ट्रैक्टर की तुलना में जो और भारतीय बाजार में बिक रहे हैं। एक चीज़ और बताता चलो, ये जो ट्रैक्टर है 45 HP का है और इसमें 3 सिलेंडर इंजन लगा हुआ है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी और चीज़ें जो हैं वो एकदम अलग हैं, और आप इसे देख सकते हैं कि ये लग रहा है कि एक प्रीमियम फील के साथ इसे कंपनी ने उतारने का प्रयास किया है, जिसमें वो काफ़ी सफल भी रही है। इसके डिज़ाइन की बात करें तो आपको बता दूं, पर हम पारंपरिक डिज़ाइन जो होता है उससे एकदम अलग है, एकदम अलहदा है। इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं जो कि आपको सिर्फ कारों में नज़र आते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा, अगर आप रात में काम करना चाहेंगे तो आसानी से इसके उजाले में पूरी की पूरी खेती कर सकते हैं। बाहर के देशों में अगर आप ट्रैक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे बंद रहता है केबिन, लेकिन ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हो इसमें कोई केबिन नहीं दिया गया है, ये खुला हुआ है, क्योंकि ऐसे ही ट्रैक्टर यहाँ पर प्रचलन में है। लेकिन अगर कोई चाहे कि उसका भी ट्रैक्टर केबिन वाला हो और बंद हो जिसमें AC चल सके, तो वो डिमांड कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है, उसे कंपनी बना कर दे देगी। पावर की बात करें तो आपको बता दूँ, 28 से लेकर कई सारे 60 HP तक ये ट्रैक्टर भारतीय बाजार में कई वेरिएंट में कई पावर के साथ बेचे जाएंगे। इसके रियर की बात बताऊं तो आपको यहाँ पे LED टेल लैंप मिलेगा जो कि बहुत अच्छा लगता है जब जलता है। अभी जब लॉन्चिंग के टाइम पर दिखा रहे थे, एकदम अलग ही अंदाज वाला ये नज़र आ रहा था। और एक काम की बात, पते की बात आपको बताता चलूं, एक ट्रैक्टर पर बहुत तरह के एप्लीकेशन यूज किए जाते हैं। उस जगह पे जब आप बात करोगे किसी एप्लीकेशन को, इसके साथ जब अटैच करना होता है, उसे अटैच करना बेहद आसान होगा, क्योंकि ट्रैक्टर को आगे पीछे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो तरीका अपनाया गया है, जो टेक्नोलॉजी दी गई है, इसमें एक जगह बैठ के आप आराम से उस एप्लीकेशन को इससे अटैच कर सकते हैं व खोल सकते हैं। इस ट्रैक्टर में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, फ्यूल कितना है, हीट हो रहा है ट्रैक्टर उसकी जानकारी, इसके अलावा बाकी चीज़ें कितने किलोमीटर चला है वो पूरा इस पर दिखता रहेगा। सोलिस में आपको सिग्नेचर लाइट मिलेगा जो कि एकदम अलग अंदाज प्रदान करता है। हालांकि मैं जला नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अभी कीज नहीं है यहाँ पे, मैं जब इसका रिव्यू करूँगा तो आपको करके दिखाऊंगा। अभी तक कारों में DRL मिलता था, लेकिन इस ट्रैक्टर में भी आपको DRL मिलेगा जब ये चलता है, एकदम अलग होता है। पहली बार ये इंडिया में हुआ है जब किसी ट्रैक्टर को DRL लाइटें दी गई हैं। इसका पहला शोरूम पुणे में कंपनी ने ओपन किया है, और आने वाले 2 साल में ढेर सारे शोरूम आपको इंडिया में मिलेंगे, लेकिन इस ट्रैक्टर को आप खरीद सकते हैं। और इसकी जो कीमत होगी, मैंने पहले भी बताया, लगभग 7-8% ज़्यादा होगी जो नॉर्मल ट्रैक्टर्स इस रेंज में बिकते हैं भारतीय बाजार में। ये स्टीयरिंग व्हील कार की नहीं है, ट्रैक्टर की है, और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, बिना इसके देश की प्रगति संभव नहीं है। यही वजह है कि ट्रैक्टर का कारोबार बहुत तेज़ी के साथ भारत में बढ़ रहा है। अब दो टेक्नोलॉजी के मिलन से अब ये और कितना अच्छा हो जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कंपनी की बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों से, और जिस तरीके से कंपनी ने भरोसा जताया है
और जिस तरीके से उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है उससे देखकर यही लग रहा है कि अब बहुत कुछ बदलने वाला है ट्रैक्टर इंडस्ट्री में और नए नए तरीके के आपको ट्रैक्टर देखने को मिलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो मुझे तुरंत लिखें। मेरा ईमेल आईडी है amit.dwivedi@dainikbhaskar.com।